इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है एक प्रोक्लेम्ड पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है वो अपनी प्रॉपर्टी को या फिर उन सेल प्रोसीड्स को जो कि उसकी प्रॉपर्टी को बेच कर आए हैं उनको क्लेम कर सकता है अगर वो कोर्ट के सामने अपीयर हो जाता है कितने टाइम के अंदर अंदर ये अमाउंट जो है वो क्लेम कर सकता है या ये प्रॉपर्टी वो क्लेम कर सकता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विद इन टू ईयर्स ऑफ अटैचमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अरेस्टेड पर्सन के पास राइट है कि वो अपने लीगल प्रैक्टिशनर से कंसल्ट कर सकता है तो उसके लॉयर से वो किस टाइम पे कंसल्ट कर सकता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों मतलब कि अगर पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट हैं तो भी कर सकता है नहीं प्रेजेंट हैं तो भी कर सकता है पर जब उसकी हियरिंग हो रही होगी उस टाइम पर नहीं कर सकता तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च वारंट एक रिटर्न अथॉरिटी है जो कि पुलिस ऑफिसर को दी जाती है या फिर किसी और पर्सन को दी जाती है किसी प्लेस को सर्च करने के लिए तो ये जो सर्च होगी ये किन चीज के रिगार्डिंग हो सकती है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी जनरली या फिर स्पेसिफाइड थिंग्स या डॉक्यूमेंट कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी किस पर अप्लाई नहीं होता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एक्यूज पर अप्लाई नहीं होता सेक्शन 91 नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मन इशू करना एक पर्सन को सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी में ये इशुंस ऑफ सम्मन का नेचर क्या है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ये डिस्क्रिशनरी है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी में एक पर्सन जिसे कि सम्मन इशू किया गया था कि वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे कोर्ट के सामने तो जब वो कोर्ट के सामने अपीयर होगा तो क्या वो विटनेस होगा और क्या उसे क्रॉस एग्जामिनेशन किया जा सकता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ना तो उसे हम विटनेस कहेंगे और ना ही हम उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं क्योंकि वो सिर्फ कोर्ट के सामने डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए अपीयर हुआ है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पर्सन जिससे कहा गया है कि वो कोर्ट के सामने डॉक्यूमेंट या कोई चीज़ सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करे तो उसे क्या खुद से पर्सनली अटेंड होना होगा या फिर वो किसी और के थ्रू भी ये डॉक्यूमेंट या ये जो चीज है वो भिजवा सकता है कोर्ट में तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वो खुद अटेंड भी कर सकता है पर्सनली ये डॉक्यूमेंट और इस थिंक को प्रोड्यूस करने के लिए और किसी और से करवा भी सकता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 92 ऑफ सीआरपीसी में किस चीज का प्रोसीजर दिया गया है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना जो कि पोस्टल या टेलीग्राम अथॉरिटी की कस्टडी में है इससे रिलेटेड प्रोविजन हमें दिया गया है सेक्शन 92 ऑफ सीआरपीसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पर्सन को समन किया गया है सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी में किसी डॉक्यूमेंट या कोई थिंग को प्रोड्यूस करने के लिए और वो पर्सनली कोर्ट के सामने अपीयर नहीं होता है और इस डॉक्यूमेंट या थिंग को प्रोड्यूस नहीं करता है तो इस पर्सन के अगेंस्ट क्या कार्यवाही हो सकती है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी यानी कि उसके अगेंस्ट सर्च वारंट भी इशू हो सकता है सेक्शन 93 में और उसके अगेंस्ट सेक्शन 175 ऑफ आईपीसी के लिए प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है यानी सेक्शन 175 ऑफ आईपीसी की प्रोसीडिंग भी हो सकती है और उसके अगेंस्ट और सर्च वारंट भी इशू हो सकता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 91 ऑफ सीआरपीसी में एक पर्सन को सम्मन इशू किया गया कि वो डॉक्यूमेंट या कोई थिंग प्रोड्यूस करे उसने प्रोड्यूस नहीं करी तो उसके अगेंस्ट सेक्शन 175 ऑफ आईपीसी की प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गई कि उसने 91 को फॉलो नहीं किया तो जब उसके अगेंस्ट सेक्शन 175 ऑफ आईपीसी की प्रोसीडिंग होगी तो क्या वो डिफेंस ले सकता है या नहीं ले सकता और अगर ले सकता है तो क्या डिफेंस ले सकता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि एक्यूज डिफेंस ले सकता है कि जो डॉक्यूमेंट और चीज उसको प्रोड्यूस करने के लिए बोली गई थी वो जरूरी नहीं थी और डिजरेबल नहीं है इस इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी या ट्रायल के लिए तो वो इस तरह का डिफेंस ले सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 92 टू ऑफ सी आर पी सी में नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन कंपिटेंट नहीं है पोस्टल और टेलीग्राफ अथॉरिटी को ये ऑर्डर करने के लिए कि वो डॉक्यूमेंट या वो चीज़ कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करें कौन कंपिटेंट नहीं है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कम्पिटेंट नहीं है इस तरह का ऑर्डर डीएम मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट कर सकती हैं तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 93 सब सेक्शन वन क्लोज सी में इंस्पेक्शन वर्ड किसके लिए यूज किया गया है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लोकैलिटी एंड प्लेस नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च वारंट इशू हो सकता है किसी प्लेस के लिए क्यों अगर उस प्लेस को यूज़ किया जा रहा है किसी स्टोलन प्रॉपर्टी के लिए या फिर उस प्लेस को यूज़ किया जा रहा है किसी सेल काउंटर फीट क्वाइन करेंसी नोट्स को छुपाने के लिए या फिर उस प्लेस को यूज़ किया जा रहा है किसी फोज्ड डॉक्यूमेंट या फॉल्स सील को स्टोर करने के लिए तो उसके लिए सर्च वारंट इशू किया जा सकता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 95 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग कुछ पब्लिकेशन फॉरफिट की हुई है और उसके लिए सर्च वारंट इशू किया जा सकता है किसके कंटेक्स्ट में अगर आप सेक्शन 95 ऑफ सीआरपीसी देखें तो वहां वो लिखते हैं न्यूज़पेपर बुक या डॉक्यूमेंट तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी और सी क्योंकि ऑप्शन बी में बात की गई है बुक की और ऑप्शन सी में बात की गई है डॉक्यूमेंट की वहीं ऑप्शन ए में कहा है न्यूज़पेपर नहीं होते बल्कि अगर हम सेक्शन 95 देखें तो न्यूज़पेपर भी होते हैं तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी बी और सी करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 87 ऑफ सीआरपीसी में वारंट जो इशू होते हैं वो सम्मन के लिए भी होते हैं और सम्मान के एडिशन टू भी होते हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 95 ऑफ सीआरपीसी में डिक्लेरेशन किया गया है फोर फीचर का तो ये कौन सेट असाइड कर सकता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हाई कोर्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर फीचर के डिक्लेरेशन को सेट असाइड कराने के लिए जो एप्लीकेशन लगेगी उसका लिमिटेशन पीरियड हमें किस सेक्शन में दिया गया है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेक्शन नाइन्टी और साथ ही ये ध्यान रखना है कि ये जो लिमिटेशन पीरियड होगा ये दो महीने का होगा फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द डिक्लेरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है जब इन्वेस्टिगेशन तो सर्च तो कौन करेगा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन के लिए सर्च होनी है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही करेगा पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकते हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च बिना वारंट के कंडक्ट की जा सकती है सेक्शन वन ऑफ सी सी में किन की प्रेजेंस में तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उन मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में जो कंपिटेंट हैं इस तरह की सर्च के लिए वारंट इशू करने के लिए तो जो कम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट हैं उनके सामने ही ये सर्च की जा सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च वारंट अगर किसी प्लेस की सर्च के लिए इशू किया गया है तो उसमें क्या इंक्लूड होगा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अगर वहाँ पे कोई पर्सन प्रेजेंट है और उस ये सस्पेक्ट है कि उसने कोई सामान छुपाया हुआ है कोई आर्टिकल छुपाया हुआ है जो कि सर्च करना है तो उसकी उस पर्सन की भी सर्च की जा सकती है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी लोकैलिटी की सर्च करनी है तो वहाँ जो इनहेबिटेंट रहते हैं उन इनहेबिटेंट्स में से दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट विटनेसेस को ज्वाइन करवाना मैंडेटरी है किस सेक्शन में तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सेक्शन हंड्रेड सेक्शन फोर में नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड नहीं है लॉ के अकॉर्डिंग सर्च वारंट इशू करने के लिए किसी प्लेस पे सर्च करने के लिए जहाँ पे स्टोलन प्रॉपर्टी रखी गई है और वो जानबूझकर एक सर्च वारंट इशू कर देते हैं तो इस तरह से सर्च वारंट इशू करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि वो सर्च प्रोसीडिंग वाइड होगी और लाइबल होगी असाइड कराने के लिए साथ ही ये प्रोसीडिंग असाइड कराई जा सकती है तभी जो कि पोर्सन एग्रीव्ड है इस सर्च से वो चैलेंज करे तभी इस सर्च को सेटासाइड कराया जा सकता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉग्निजेबल केस में जब मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया है पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उस केस को जैसे कि वो केस कॉग्निजेबल ऑफेंस हो पुलिस के पास उस टाइम पे सभी पावर्स होंगी इन्वेस्टिगेशन के लिए तो उनके अकॉर्डिंग नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है तो देखिए जब भी नॉन कॉग्निजेबल केस में मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किए इन्वेस्टिगेशन के लिए तो पुलिस के पास सारी पावर हैं पर वो बिना वारंट के उस पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकते तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 39, सेक्शन 40 ऑफ सीआरपीसी में ये मैंडेटरी है कि जब भी कोई ऑफेंस हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाए तो ये इंफॉर्मेशन किसे दी जाएगी तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मैजिस्ट्रेट को भी दी दी जा जा सकती सकती है 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 और पुलिस पुलिस ऑफिसर को को भी नेक्स्ट क्वेश्चन कब पुलिस रजिस्टर करेंगे एक केस को किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड और ये जो केस रजिस्टर किया जाएगा किस सेक्शन में किया जाएगा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजुअली एक एफआईआर की कॉपी मैजिस्ट्रेट के सामने फाइल की जाती है जिनके पास जुडिसिक्शन हो किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड तो पुलिस ऑफिसर ये एफ मैजिस्ट्रेट के सामने किस सेक्शन में फाइल करते हैं तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेक्शन 157 ऑफ सीआरपीसी क्वेश्चन है अगर पुलिस ऑफिसर ने सेक्शन 157 ऑफ सीआरपीसी में एफ मैजिस्ट्रेट के सामने फाइल करने में डिले कर दिया है तो इसका क्या इफेक्ट होगा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कि कोर्ट इस पे सस्पेंशन क्रिएट कर भी सकती है ये नहीं भी कर सकती ये उस केस के फैक्ट और सेकंड पे डिपेंड करता है कि डिले क्यों हुई है तो इसका होगा, है, कर रही है, प्राइमा कोई आई आर को फाइल करने में डिले हुआ है मैजिस्ट्रेट के, के पास भेजने में सेक्शन 157 फिफ्टी सेवन ऑफ सी आर पी सी में डिले हुआ है तो इस केस में जो इन्वेस्टिगेशन है क्या वो रुक जाएगी या रोक दी जाएगी या फिर वो चलती रहेगी तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस ऑफेंस है पता है है पता कॉग्निजेबल तो उसकी इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि वो एक पर्सन जो कि विद फैक्ट एंड है उसे पता है क्या है फैक्ट और सर्क्यम है उस पर्सन की अटेंडेंस रिक्वायर कर सकते हैं कि वो उनके पास आए तो किस सेक्शन में तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सेक्शन वन ऑफ सी नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन वन फिफ्टी सिक्स अब सेक्शन थ्री की पावर कि वो पुलिस को डायरेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए किसके पास है कौन एक्सरसाइज करेगा इस पावर को तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मैजिस्ट्रेट नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 156 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी में क्या इेगुलरिटीज को ध्यान और क्योर करने की बात की गई है या फिर इलिगालिटी को क्योर और टेक केयर करने की बात की गई है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी यानी इरेग्युलरिटी हो या फिर इलिग्यालिटी हो इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट करने में दोनों को क्योर और टेक केयर करने की बात की गई है सेक्शन 156 फिफ्टी सिक्स सबसेक्शन टू में नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 159 ऑफ सीआरपीसी में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किसी ऑफेंस के रिगार्डिंग कौन कंडक्ट करेगा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी यानी कि जिन मैजिस्ट्रेट के पास जुरिस्टिक्शन है उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए वो भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं साथ ही कोई सबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट है उन मैजिस्ट्रेट से तो वो भी कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मैजिस्ट्रेट सेक्शन 159 ऑफ सीआरपीसी की पावर कब एक्सरसाइज करेंगे तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जब पुलिस ने डिसाइड कर लिया है कि वो आगे इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे केस को तो मैजिस्ट्रेट अपनी पावर सेक्शन 159 में एक्सरसाइज कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 160 ऑफ सीआरपीसी में पुलिस के पास पावर है कि वो किसी पर्सन को जो एक्वेंटेड विथ फैक्ट है उनकी अटेंडेंस को रिक्वायर कर सकते हैं तो ये जो नोटिस सेक्शन 160 का दिया जाएगा ये टेलीफोन से दिया जा सकता है या फिर ये रिटर्न होना चाहिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ये जो नोटिस है ये राइटिंग में होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 160 ऑफ सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किसी पर्सन की अटेंडेंस को उसके रेजिडेंस प्लेस पर ही रिक्वायर कर सकते हैं कहीं और नहीं कर सकते तो वो कौन सा पर्सन है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वुमेन और अगर हम सेक्शन 160 को बैरेक्ट से देखें तो ये कहते हैं कि एक पर्सन जो कि 15 साल से कम है या फिर 65 से ऊपर है और या फिर वो वुमेन है तो तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है उसके रेजिडेंस पर ही होगी एज क्या है 15 साल से कम 65 से प्लस और वुमेन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सेक्शन 160 सिक्सटी ऑफ सी आर पी सी में एक पर्सन की अटेंडेंस जो वो मेल है उसके घर के अलावा कहीं और नहीं कर सकते तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अगर 15 साल से कम है तो नहीं कर सकते उसके रेजिडेंस पर ही किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रायल जो कि पुलिस रिपोर्ट पर इनिशिएट हुआ और इन्वेस्टिगेशन के जो मैंडेटरी प्रोविजन थे उनको फॉलो नहीं किया गया तो ये जो इन्वेस्टिगेशन की पूरी प्रोसीडिंग है क्या ये एविशिएट होगी या फिर नहीं होगी तो ये जो पूरी प्रोसीडिंग है एविशिएट नहीं ना ही इसे सेटिसाइड कराया जा सकता है पर अगर इलीगैलिटी है इन्वेस्टिगेशन में जो कि ये शो हो रहा है कि अगर जो कि ये शो करती है कि इससे जस्टिस हार्म होगा मिस कैरेज होगा जस्टिस का तो फिर सेटसाइड कराया जा सकता है अदरवाइज जनरल रूल ये है कि ये सेटासाइड नहीं होगी और ना ही प्रोसीडिंग विशिएट होगी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें कुछ प्रोपोजिशंस दी हुई हैं उसमें से बताना है कि कौन सी करेक्ट है फर्स्ट है कि अगर एफ को डिस्पैच करने में डिले हुआ है तो इससे जो प्रोसिक्यूशन का केस है वो पूरा का पूरा ख़राब नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर एफआईआर को डिस्पैच करने में देर हुई है तो प्रोसिक्यूशन का केस जो है वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा नेक्स्ट ऑप्शन है एफआईआर को सेंड करने में ज़्यादा डिले हुआ है जिससे सर्कम ये प्रोवाइड करती हैं कि जो एफआईआर रिकॉर्ड हुई है वो काफ़ी टाइम बाद हुई है जो डेट है उससे काफ़ी बाद हुई है तो इससे प्रोसिक्यूशन को इतना टाइम मिल गया है कि वो उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सके फैक्ट्स में कुछ चेंज कर सके तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड जो है ये करेक्ट हैं सेकेंड वाला जो है वो गलत है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 159 ऑफ सीआरपीसी में मैजिस्ट्रेट एम्पावर है कब तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मैजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकते हैं मैजिस्ट्रेटियल इंक्वायरी कॉग्निजेबल ऑफेंस में सिर्फ तभी जब पुलिस ने डिसाइड कर लिया है कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 159 ऑफ सीआरपीसी में मैजिस्ट्रेट के पास पावर है क्या पावर है तो फर्स्ट पावर है कि मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए या फिर किसी और जो कि सबऑर्डिनेट मैजिस्ट्रेट हैं उनको कह सकते हैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के लिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आइडर ए और बी नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 160 सिक्सटी ऑफ सी आर पी सी करती है एक पुलिस ऑफिसर को नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसके लिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एक पर्सन को एज अ विटनेस सम्मन करने के लिए पुलिस ऑफिसर ऑथोराइज है एक पर्सन को सम्मन किया जा सकता है एज अ विटनेस सेक्शन 160 ऑफ सीआरपीसी में तो ये सम्मन कौन करेगा तो जो भी पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे तो जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होंगे वो ही तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पर्सन जिसे 160 का नोटिस दिया गया और वो उस नोटिस पर अटेंड नहीं होता इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने तो अब ये लाइबल होगा किस सेक्शन में प्रोसिक्यूशन के लिए तो इसका आंसर होगा सेक्शन तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेक्शन 174 ऑफ आईपीसी की प्रोसीडिंग होगी इस पोर्सन के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है जाल बिछाना किसका पार्ट होगा तो जाल बिछाना पार्ट है इन्वेस्टिगेशन का तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी कौन से केस कवर होते हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन पुलिस को रिसीव हुई है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जो ऑफेंस हुए हैं उसे हम सेक्शन 160 वो कवर होते हैं सेक्शन 161 में नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन पुलिस ऑफिसर नहीं होगा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी यानी कि एनफोर्समेंट ऑफिसर जो कि इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं किसी केस को फेरा के अंदर तो उन्हें हम पुलिस ऑफिसर नहीं मानते हैं नेक्स्ट है कोई ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पावर मिली है एन डी एक्ट में तो वो भी पुलिस ऑफिसर नहीं है कोई ऑफिसर जो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के हैं तो उसे भी हम पुलिस ऑफिसर नहीं मानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ज़्यादा डिले कर दी है और वो डिले का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कोई जस्टिफिकेशन नहीं है किसी मटेरियल विटनेस की जो आ, आ, किसी मटेरियल विटनेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने में तो इस तरह के डिले को हम क्या मानेंगे तो इस तरह की जो डिले होगी वो अनरिलायबल होगी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी में स्टेटमेंट दी गई है जब क्रॉस केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो क्रॉस केस तो क्रॉस केस की इन्वेस्टिगेशन में जो सेक्शन 161 की स्टेटमेंट है ये एडमिजिबल नहीं होगी मेन केस में तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 161 ऑफ सीआरपीसी में कोई विटनेस अगर आंसर देने से मना करता है तो ये आईपीसी के किस सेक्शन में ऑफेंस होगा तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेक्शन 179 सेवेंटी नाइन ऑफ आई पी सी यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर एक्यूज आंसर देने से मना करता है तो वो ऑफेंस होगा सेक्शन 179 नाइन ऑफ आई पी सी में और अगर वह झूठा आंसर देता है फॉल्स आंसर देता है तो ये ऑफेंस होगा सेक्शन 177 सेवेंटी सेवन ऑफ आई पी सी में तो यहां तक हमने कवर कर लिए हैं हंड्रेड क्वेश्चन सी सी के